एवरीवन, वेलकम टू जेबी यूट्यूबर। अगर आपकी स्किन है ऑयली और आप अपने लिए बेस्ट फेस वॉश देखना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो और कि किस तरह का फेस वॉश मुझे यूज करना चाहिए, क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं, ऑयली स्किन है उनको बहुत ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं ऐसे ही फेस वॉश का रिव्यू करने जा रही हूँ। वो है ये हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश। ये आपको पिंपल हटाने में आपकी मदद करेगा। ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश है और इस पर लिखा है हिमालय साइंस 1930 प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश प्रिवेंट्स पिंपल्स। ये आपके मतलब शॉप फ्री है, नीम और टर्मरिक इसके अंदर है और ये शॉप फ्री है। इसकी क्वांटिटी है, पैराबिन इसके अंदर नहीं है और पैथलेस फ्री है। 100 ml इसकी क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी इसकी है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसका अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 150 रुपये, तो बहुत ही अफोर्डेबल आपके प्राइस में ये अवेलेबल है ये फेस वॉश। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये देखिए, और ये आपका करीबन 2 से 2.5 महीने आराम से चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका दिखा देती हूँ किस तरह से इसका ढक्कन ओपन होता है। इस तरह का इसका ढक्कन ओपन होता है और इसका जो जेल है वो बिल्कुल एकदम ऐसे ग्रीन कलर का इसका जेल है और आप इस तरह से इसको चेहरे पर अपने लगाकर और बिल्कुल आप है ना इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल भी ये झाग नहीं देगा और आपकी स्किन को जैसे आप पानी के साथ अगर इसको लगाएंगे तो ये झाग देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल है ना ऑयल आपकी स्किन से बिल्कुल हटा देगा। तो चलिए मैं इसको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो वॉश करने के बाद स्किन देखिए एकदम साफ हो गई है और बिल्कुल भी ऑयली आपकी स्किन नहीं रहती है और ये आपकी स्किन से सारे ऑयल को खींच कर बाहर निकाल देता है। तो सुबह उठते आप इससे फेस वॉश से अपने चेहरे धो सकते हैं और शाम को रात को सोते समय अपने चेहरे को फेस वॉश से आप जरूर वॉश कीजिएगा ताकि एक्ने और पिंपल आपकी स्किन पर ना हो। बिल्कुल क्लीन करके आपके चेहरे को आपको सोना चाहिए ताकि दिन भर की जो धूल मिट्टी पोल्यूशन है वो आपके चेहरे पर ना रहे। तो ये फेस वॉश ऑयली स्किन वाले ले सकते हैं। तो मैंने इसका फुल रिव्यू आपको दे दिया है। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज वीडियो के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।